हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं दो बिल्कुल यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। तो कोई भी त्योहार हो, सभी के घर में एक मिठाई है जो बिल्कुल कॉमन होती है, यानी कि गुलाब जामुन। आज हम उसी गुलाब जामुन को दो अलग तरीके से बनाएंगे। तो गुलाब जामुन प्री मिक्स से ही दो अलग अलग डिशे बनाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। तो चलिए बनाने की प्रोसेस यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और यहाँ हम रबड़ी बना लेते हैं पहले। तो इसके लिए मैंने लगभग आधा लीटर तक यहाँ दूध लिया है और ये पैन में डाल के इसको पकने के लिए रख देते हैं। यानी दूध में जब तक अच्छे से उबाल नहीं आ जाती तब तक इसको पकने देना है। तो यहाँ मैंने गैस के फ्लेम को अभी हाई रखा है और इसको एक उबाल आने तक पकने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ उबाल आ गई है। यही मैंने ये आधा कप यानी लगभग दो बड़े चम्मच गुलाब जामुन प्री मिक्स पाउडर लिया है और इसको एक बाउल में डाल के और यही दो बड़े चम्मच से गरम गरम इसमें दूध डाल के इसका बिल्कुल अच्छे से घोल बना लेना है, यानी इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें अब ऐड कर देंगे और यही थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके और इसको पकने के लिए रख देते हैं। बीच बीच में इस तरह से चलाते जाएंगे और ये तुरंत ही बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और इसकी बिल्कुल गाढ़ी मलाईदार रबड़ी बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ आप प्री मिक्स पाउडर की जगह मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं या आप दूध की क्वांटिटी को ज्यादा कर दीजिए। और यही जैसे इस तरह से पकने लगेगा तो यहाँ हम लगभग दो या तीन चम्मच तक यहाँ शक्कर ऐड कर देंगे और इसको इस तरह से चलाते हुए बीच में और इसको पकने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम ही रखा है और धीमी धीमी आंच में इसको पकने देना है। तो ये देखिए यहाँ जो रबड़ी है वो बिल्कुल गाढ़ी हो आई है, बिल्कुल इस तरह से जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो यहाँ हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ कुटी हुई इसमें इलायची ऐड की है और जैसे ये थोड़ा सा और पक जाएगी, थोड़ा और ठीक हो जाएगी तो गैस को ऑफ करके और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ रबड़ी बन के रेडी है। तो गैस को ऑफ करेंगे और इसको एक साइड से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यही हम चाशनी बनाने के लिए दूसरी कढ़ाई लेंगे। तो यहाँ एक बड़ा कप यानी लगभग 250 ग्राम तक शक्कर ऐड करके और यहाँ इस कप से डेढ़ कप तक पानी इसमें ऐड कर देंगे और शक्कर को घुलने तक, चाशनी को पकने तक इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये शक्कर घुल गई है, चाशनी जो है वो इस तरह से पकने लगी है। तो यही हम थोड़ा सा इलायची ऐड कर देते हैं और इसको इस तरह से पकने के लिए रखते हैं। तो जैसे यहाँ चाशनी एक तार की हो जाती है या हल्की चिपचिपी हो जाती है तो गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ ये डिश बनाने के लिए चाशनी को हल्का पतला ही रखना है। तो ये देखिए चाशनी यहाँ बनके रेडी है। तो गैस को ऑफ करके और इसको भी साइड से रखते हैं। यही मैंने ये प्री मिक्स पाउडर लिया है गुलाब जामुन का और इसको एक बाउल में पलट लेंगे और यही हल्के गर्म पानी से इसको बिल्कुल अच्छे से गूंथ लेंगे। तो जैसे हम आटा लगाते हैं इसी तरह से इसको बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम इस तरह से इसको गूंथ लेना है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ये गर्म पानी डाल के, हल्का गर्म पानी ही यूज करना है या आप यहाँ हल्का गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं और इसको इस तरह से गूंथ लेना है बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये देखिए यहाँ ये गूंथ के रेडी है। तो थोड़ा सा इसको फर्श में देसी घी लगा के और इस तरह से इसकी थोड़ी सी नीडिंग और कर लेते जिससे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी एक लोई छोटी सी बना के देख लीजिए, अगर इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे तो बिल्कुल परफेक्ट है। यही मैंने ये प्रसाद वाली जो इलायची दाना होता है तो ये मैंने थोड़ा सा ये इलायची दाने लिए हैं, इसे सिन्नी दाना भी बोलते हैं, और साथ ही थोड़ा सा देसी घी लिया है। तो इस तरह हाथ में थोड़ा सा देसी घी अच्छे से लगा लेंगे और थोड़ा सा लोई लेके इस तरह से इसकी बिल्कुल गोल गोली इस तरह से बना के और पेड़े साइज में बनाना है। तो यहाँ सेंटर में इस तरह से थोड़ा सा होल करके और ये सिन्नी दाना रख के एक और इस तरह से रोल करके चारों तरफ से और ये पेड़े साइज में बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पेड़े साइज में इसको बनाना है। तो इसी तरह से हम और ये सारे पेड़े इसके बना के रख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये पूरे पेड़े बन गए हैं, यानी कि ये मावा बाटी बन गई है और इसको इस तरह से किसी प्लेट से या एक थाली से इसको इस तरह से ढक के रख देते हैं जिससे कि जब तक हम इसे फ्राई करेंगे तब तक ये सूखे नहीं। और यहीं हम इसकी छोटी छोटी सी ये लोई बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ हम छोटे छोटे से गुलाब जामुन बनाएंगे। तो इस तरह से ये छोटे छोटे से ये सारे मैंने गुलाब जामुन बना के रख लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से कुछ छोटे साइज में और कुछ ये बड़े साइज में बनाए, दो साइज में हैं। तो ये हमारी ये पेड़े और छोटे छोटे से गुलाब जामुन बन के रेडी हैं। तो यहाँ हमने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गया है। तो गैस के फ्लेम को लो करके और यहाँ ये सारे पेड़े और ये गुलाब जामुन डाल के इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ धीमी धीमी आँच में गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है।
तो इस तरह से ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे जिससे कि अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ इसका कलर चेंज होने लगा है, इसको पलट देंगे, दूसरे साइड भी पका लेते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया, इनका कलर देखिए इस तरह से इनका कलर रखना है। और ये फूल के बिल्कुल दुगने साइज में हो गए हैं, बिल्कुल स्पंजी हो गए हैं। तो इस तरह से इसको निकाल के और यहीं हल्की गर्म चाशनी में इनको डाल देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ ये सारे गुलाब जामुन निकाल के और इसी तरह से चाशनी में डुबा के रख देना है। तो लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से चाशनी में इसको डुबा के रखना है। तो ये देखिए ये फूलने लगे हैं और धीरे धीरे से इनका जो साइज है वो और बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये अच्छे से स्पॉन्जी हो जाएंगे, अच्छे से फूल जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ ये फूल के रेडी हो गए हैं, 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से फूल गए हैं। और यहीं हम थोड़ा सा इसमें 3 से 4 बूंद तक केवड़ा ऐड कर देंगे जिससे कि इसकी जो महक है वो बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहें तो चाशनी में पहले से ही डाल के रख सकते हैं, बट इस तरह से मैंने यहाँ लास्ट में डाला है। और अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं और लगभग 20 से 25 मिनट हो गए, मैंने इसको चाशनी में 20-25 मिनट तक फुला के रखा है। और जब तक हम इसको दूसरी प्रोसेस कर लेते हैं तो यहाँ मैंने एक छोटा सा जार लिया है और यही जो हमने रबड़ी बनाई है तो यहाँ आधी रबड़ी ये जार में पलट के और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है जिससे कि बिल्कुल क्रीमी हो जाए। तो ये देख, तो इस तरह से मैंने रबड़ी को ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। इससे क्या होता है कि जो आइसक्रीम होती है, जो गुलाब जामुन आइसक्रीम है, वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ ये कांच का टिफिन लिया है, आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए और इसमें इस तरह से रबड़ी की एक लेयर बना के और ऊपर से ये जो गुलाब जामुन है इनको रख देंगे और इसी तरह से बची हुई रबड़ी को फिर से ऊपर से डाल के और फिर इसके ऊपर से इस तरह से गुलाब जामुन को रख देंगे और लास्ट में यही बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ मैंने बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश किया है। और अब इस तरह से कवर करके इसको लगभग 5 से 6 घंटे, यानी कि जब तक अच्छे से फ्रीज नहीं हो जाता है तब तक इसको फ्रीजर में रख देना है। तो इसको हम रखते हैं जब तक फ्रीजर में और यही हमने जो दूसरी डिश बनाई है उसको जब तक कि गर्म गर्म सर्व कर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी लिया है और इस तरह से ये बने हुए मावा बाटी को इसमें रख देंगे और ऊपर से जो हमने रबड़ी और बचाई हुई है इस तरह से इसके ऊपर ऐड करके और यहाँ भी बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारे ये गर्मा गर्म मावा बाटी बनके रेडी है। तो है ना दिवाली स्पेशल स्वीट डिश। तो हम यहाँ इसको कट करके दिखाते हैं और ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है और बहुत ही टेस्टी है। तो गर्मा गर्म मावा बाटी हो और साथ ही ठंडी ठंडी रबड़ी हो तो मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अब यहाँ लगभग 6 घंटे हो गए हैं और 6 घंटे बाद अब इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ आइसक्रीम जमने के लिए रखी थी और ये देखिए ये अच्छे से जम गई है। तो अब इसको भी एक कटोरी में इस तरह से सर्व करेंगे। तो ये देखिए कितना क्रीमी आइसक्रीम है, कितनी ज़्यादा टेस्टी दिख रही है। तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम है और साथ ही यहाँ छोटे छोटे से गुलाब जामुन है। तो ये देखिए यहाँ इसको भी ड्राई फ्रूट से गार्निश करके और ऊपर से थोड़ा सा गुलकतरी ऐड कर देंगे और ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो त्योहारों में सभी के घर में मिठाइयाँ ज़रूर बनती हैं और बहुत सारी अलग तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। तो इस तरह की मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिए, घर के लोगों को पसंद आती है और साथ ही बच्चे खुश हो जाते हैं तो त्यौहार जो है वो स्पेशल हो जाता है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा।